आप देख रहे हैं देशित न्यूज और मैं आपके साथ मौजूद हूं रौनित मौर्य, जहां हम आए दिन नई खबरों को सामने लेकर आते हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के अंदर, जहां मंगोलपुरी इलाके के अंदर देखिए मैं किस दिखाना चाहूंगा यह कैमरे पर, देखिए बड़ी बड़ी क्रेन खड़ी है और बड़े बड़े यहाँ पर जो है अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इनको बड़े अधिकारी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जनता के शिकायतों के बाद भी जनता के काम नहीं हो पा रहे। ऐसे में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जिनको साहब कह के आप यहाँ पर ट्रीट करते हैं, वो यहाँ पर साहब की कुर्सी की तरह ही यहाँ बैठे नजर आते हैं। ऐसे में जनता ने कई बार शिकायतें की जिसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार के काम नहीं हो पाए। मेरा नाम राजा जाटो है, मंगोलपुरी विधानसभा का निवासी हूँ और RTI सेल से भारतीय जनता पार्टी का आउटर डिस्ट्रिक्ट का संयोजक हूँ। दादा जी, आज जिस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर बिल्कुल काम चल रहा है, ऐसे काम पहले नहीं दिख रहे थे, इसकी क्या मुख्य वजह है? देखिए, ये कार्य मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जो अब LG साहब के आने से आनन फानन में किया जा रहा है, पिछले दस वर्षों से सफाई नाम की कोई चीज़ मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर नहीं थी। सिर्फ अवैध कब्जा आप चारों ओर देख सकते हैं, PWD की पटरियों पर कब्जा, MCD की पटरियों पर कब्जा, MCD की जमीन पर कब्जा, PWD डिपार्टमेंट की जमीनों पर कब्जा, कहीं ना कहीं इसमें तमाम अधिकारी मिले हुए थे और जो साफ सफाई ये आनन फानन में LG साहब के आने से कर रहे हैं। यही कार्य यदि पिछले 10 वर्षों से ग्राउंड पर कर रहे होते तो शायद ये इतनी इनको इमरजेंसी में जो रात को कल संडे के दिन उन्हें सफाई करनी पड़ी वो शायद नहीं करनी पड़ती। इस क्षेत्र के अंदर लगातार जो यहाँ के स्थानीय PWD के अधिकारी हैं, MCD के अधिकारी हैं, क्षेत्र के अंदर महीना उगाते हैं, क्षेत्र की पटरियाँ जो हैं वो इन्होंने पटरियाँ तक बेच दी हैं, PWD की पटरियाँ बिक चुकी हैं मंगोलपुरी के अंदर, कहीं ना कहीं पटरियों पर चलना जनता का दुश्वार हो चुका है और गंदगी का तो अंबार पिछले 10 वर्षों से है। क्षेत्र के ना तो विधायक काम कर पा रही हैं, ना ही क्षेत्र के देखिए आप एक और हालात देख लीजिए ग्रेटर कैलाश के और वहीं हालात देख लीजिए मंगोलपुरी विधानसभा के, तो ग्रेटर कैलाश के मुताबिक अगर हम इसे कंपेयर कर दो कहीं ना कहीं सबको गटर कैलाश कहना पड़ेगा। गटर के अंदर मंगोलपुरी विधानसभा की जनता को निवास करना पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और ये ऐसा अभी से नहीं हो रहा, ये पिछले 2013 से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार मंगोलपुरी विधानसभा में और पूरे दिल्ली के अंदर आई है, जब से इनकी निगम में सरकार आई है, तब से लगातार भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इस जहां हम वर्तमान में इस समय मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर खड़े हैं, अभी देखिए वो झाड़ू सड़कों पर नहीं लगती है, वो झाड़ू सिर्फ कागजों के अंदर लगती है। सरकारी फंड सिर्फ कागजों के अंदर लगता है, ग्राउंड में फंड नहीं लगता। यानी कि जनता के साथ इस तरीके का धोखा जो क्षेत्र की विधायिका और क्षेत्र के निगम पार्षद, क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार है जनता के साथ। और जो इस समय साफ सफाई और मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 49 में जो इस समय कार्यक्रम चला रही है MCD, PWD, दिल्ली जल बोर्ड व अन्य तमाम डिपार्टमेंट, वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिन के लिए ही कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से यहाँ साफ सफाई हो रही है और पिछले लंबे वर्ष समय से यहाँ साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ करता था। पूर्व राजेंद्र बागड़ी, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 55, पहले मंगोलपुरी साहब। पहले कई बार आप जाते रहे उसी इलाके के अंदर निगम पार्षद में, जिस तरीके से आज यहाँ पर काम हो रहे हैं, ऐसे इलाके के अंदर पहले काम नहीं दिख रहे, इसकी क्या मुख्य वजह मान सकते हैं? देखो, सच्चाई तो ये है, जो LG साहब के आने से, जो कल 17 तारीख की जो डेट है LG साहब के आने की, उसी वजह से आज पूरा प्रशासन की आंखें खुली हुई है। पूरे एरिया में इतना गंद हो रखा था हमारे जाने के बाद में, कोई प्रशासन, कोई डिपार्टमेंट कोई काम ही नहीं कर रहा था। LG साहब के आने में खलबली मच गई इनके पूरे डिपार्टमेंट में। आज ये इस टाइम तक, शाम को 6:30 का टाइम हो गया, 6:30-7 का टाइम हो गया, इस टाइम तक पूरा प्रशासन यहाँ से हिल नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नौकरी का खतरा है। वैसे तो ये आराम से ऑफिस में बैठते थे और पूरे डिपार्टमेंट कोई काम नहीं हो रहा था। आज मैंने पूरा, आज DC साहब भी दिन में आई हुई थी, हमारे टाइम में हम जो खुद खड़े होकर एरिया के अंदर काम करवाते थे, आज एक छोटा सा गाय के लिए वो पानी का प्याऊ बना हुआ था यहाँ पे, और जो चारा लोग डालते थे गायों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था तो है नहीं। हम लोगों ने चाहा था कि एक बार गौशाला खोलने के लिए यहाँ पे, तो ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ, कोई पार्क वगैरह। प्रशासन का भी ये रूप बनता है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, MCD की खास तौर पर जिम्मेदारी बनती है, जो पशुओं का देखरेख करने का इनका काम है। इस ऐसे में अगर आम जनता इस पर जो है देखरेख कर रही है, तो क्या इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि देखरेख करने का काम तो MCD का है।
देखो सच्चाई तो ये है कि अगर आप एमसीडी वाली अगर बात करते हो तो एमसीडी का डिपार्टमेंट तो इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा। एमसीडी इस टाइम मतलब समझ लो कि अपनी तानाशाही और पूरा मज़े ले रहे हैं, एरिया ऑफिस में बैठते हैं, अगर कोई कंप्लेंट आई तो भी फ़ोन नहीं उठाते। और यहाँ पे अपने निगम पार्षद और एमएलए साहब हैं वो पूरे एरिया में गटर का पानी आ रहा है, पानी बिजली का लालच दे रखा है लोगों को, पानी बिजली सर एक 20 लीटर की कैन जो 60 रुपये की आ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे कि एक दिन में दो दो गैलन पानी की पी रहे हैं। और हॉस्पिटलों में बीमारियों में अभी बीमार हो गए हॉस्पिटलों में पैसे दे रहे हैं, लोगों को कुछ पता नहीं, लेडीजों को पानी बिजली का एक ऐसा लालच दे रखा है कि पानी बिजली बस फ्री, लोगों के नशे पकड़ रखे केजरीवाल साहब ने कि पानी बिजली फ्री तो दिल्ली वालों का विकास नहीं चाहिए। जो कांग्रेस के टाइम में और जो पहले शीला दीक्षित का टाइम था या हमारे मंत्री साहब राजकुमार चौहान थे, उन्होंने इतना विकास करा आज दिल्ली के अंदर यहाँ पे, अब मंगोलपुरी में उन्होंने इतना काम किया था यहाँ पे, आप ये रोड जगमगा देते लाइटों से, आज ये पूरे रोडों पर लाइटें नहीं है, पूरा अंधेरा पड़ा, प्रशासन की आँख अब खुली हुई है। आज एलजी साहब के आने के जैसे अभी काम हो रहा है एलजी साहब के आने के, तो मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब के बाद जाने के बाद भी कुछ काम होगा। कितना लगता है कि कितना जो है जनता को अंधेरे में डाल रखा है, जो इस समय पर जो अधिकारी है यहाँ पर क्या लगता है उसको? जनता को अंधेरे में क्या बात है? आप देख सकते हो लाइटें, देख सकते हो पूरे रोडों पे कहीं लाइटें नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लाइटें बंद है, पीडब्ल्यूडी की लाइटें बंद है, एमसीडी की लाइटें बंद पड़ी है। इस टाइम जो हमने अपने खुद चालू करवाए थे, खड़े होकर करवाया था हमने अपने टाइम में काम में, तो यहाँ काम तो विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं आज बताऊँ आपको, पीडब्ल्यूडी इस क्षेत्र के अंदर सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के तकरीबन पटरियों पे कब्जा हो चुका है, अधिकारियों को मोटी रकम दी जाती है और अधिकारी ही खुद कब्जा करवाते हैं। और वहीं बात करें हम उजाले की, तो अब सड़कों पर चल रहे हैं फुटपाथ ना होने के कारण उनकी मौत हो जाती है, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर एक सड़क काफ़ी पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा बंद करवाई गई थी, लेकिन मोटी रिश्वत लेकर के उस सड़क को दोबारा खुलवा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था वहाँ पे, एक लड़का नौजवान लड़का 22 वर्ष का लड़का खत्म हो गया एक्सीडेंट से, तो उसका जिम्मेवार हम तो सीधा सीधा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मानते हैं। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आगे बढ़ करके नहीं आता क्या? ऐसे लोगों को मुआवजा भी देना चाहिए। दूसरे अगर हम दिखाना चाहें तो सच्चाई आपके सामने बयां करती है, पीडब्ल्यूडी की लाइटें नहीं जल रही अभी वर्तमान में, और पिछले 30 वर्षों से यूटी ब्लॉक के अंदर स्वच्छ जल की जो अरविंद केजरीवाल साहब बात कर रहे थे कि दिल्ली के जनता को 20,000 लीटर जल दिया जाएगा, वहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, पिछले 30 वर्ष से पानी के लिए तरस रही है जनता, तो डूब मानना चाहिए ऐसे सीएम को, ऐसे विधायक को और ऐसे निगम पार्षद को और ऐसे अधिकारियों को। शिकायतों के बाद 20 शिकायतों का समाधान नहीं निकला, पर ऐसे में आज देख सकते हैं जब ये एलजी साहब का दौरा है किस प्रकार से पूरी मंगोलपुरी विधानसभा को चमका दिया गया। ऐसे में साथ की टी और यू ब्लॉक की झुग्गियों की अगर बात की है, जहाँ अरविंद केजरीवाल साहब ने 30,000 लीटर पानी देने का वादा किया था, वह भी यहाँ पर झूठा नजर आता है कि 30 साल से इलाके के अंदर पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। ऐसे में जो इलाका है आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहे हैं, वह कहीं ना कहीं इस समय पर लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पर ये काम यहाँ पहले होने चाहिए थे। जनता की शिकायत यहाँ पर जनता ने कैमरे पर ही बताया, जनता ने आरोप लगाया कि जो अधिकारी है कई बार शिकायतों के बाद भी काम नहीं कर रहे, और आज जिस तरीके से इलाके के अंदर काम चल रहे हैं, ये काम जरूरी है कि ये काम डेली किए जाए, वरना इस इलाके के अंदर जो दुर्दशा है वह नरक के रूप में तब्दील हो जाएगी और आने वाले समय में महामारी जैसी सिचुएशन जनता को झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं रौनित मौर्य, देशहित न्यूज़ दिल्ली।